नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। ज्ञानवापी मस्जिद जो वाराणसी में है उसमें जो अदालत ने हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि वहां का सर्वे होगा, उस सर्वे का को बरकरार रखा है हाई कोर्ट के फैसले को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ASI जो है वो बिना खुदाई किए हुए, बिना ज्ञानवापी मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचाए हुए वहां पर खुदाई करे और अपनी रिपोर्ट जो है वो निचली अदालत में सौंपे। मुस्लिम पक्ष जो मस्जिद कमेटी है वो लगातार विरोध कर रही थी हाई कोर्ट के इस फैसले को। उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की इस बेंच ने सुनवाई की। यहाँ पर हुजैफा अहमदी जो कमेटी की तरफ से आए थे उनकी मांग थी कि सर्वे पर रोक लगाया जाए, ये भावना के खिलाफ है। प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट पे अभी डिसाइड नहीं हुआ है, हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं है इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित है, तो फिलहाल सर्वे पर रोक लगाया जाए। इससे जो है मस्जिद जो है उसको परेशानी हो सकती है, इमारत को नुकसान हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में ASI ने एफिडेविट दिया है कि वो किसी भी तरह की ऐसी खुदाई जैसा काम या ऐसे तोड़फोड़ वाला काम नहीं करेगा जिससे धार्मिक संरचना जो है उसको नुकसान पहुंचे। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हम भी इस चरण में दखल नहीं देना चाहते, हाई कोर्ट का फैसला सही है क्योंकि ASI का सर्वे जो है वो उसमें किसी तरह की खुदाई और इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है जिससे संरचना को नुकसान हो, तो इससे हमारे ये विचार है कि खुदाई नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर सर्वे ASI का जारी रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये भी मुस्लिम पक्ष की ये भी इस भी दलील को ठुकरा दिया कि जब तक अपील लंबित है तब तक ASI की रिपोर्ट सीलबंद हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ASI की रिपोर्ट जो है वो सीलबंद रखने का कोई फायदा नहीं है, दोनों पार्टियों के हितों में ये है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना ये फैसला देता है बाद में कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है तो ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ एक कागज का महज टुकड़ा भर रह जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो किसी भी तरह से सर्वे पर रोक नहीं लगाता, धार्मिक संरचना कैसी है, करेक्टर क्या है, वो भी चेंज नहीं होता है, तो इसलिए ये सर्वे जारी रहेगा। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिया है। और वहीं वाराणसी की अदालत में ASI ने एक अर्जी लगाई थी क्योंकि वाराणसी की निचली अदालत ने पहले कहा था कि 4 अगस्त तक सर्वे का काम पूरा करें, लेकिन हाईकोर्ट ने पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई 2 दिन की और हाईकोर्ट में भेजा, फिर हाईकोर्ट ने रोक लगाई और गुरुवार को ये फैसला आया जिसको चुनौती दे दी गई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई तो निचली अदालत से कहा गया था कि कुछ और वक्त दिया जाए और निचली अदालत ने बनारस की जिला जज की अदालत ने 4 हफ्ते का वक्त सर्वे के लिए और दे दिया है। काफ़ी अहम है इस मोड़ पर, लगातार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतों में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो सील एरिया है उसको संरक्षित करने के आदेश दिए थे जहाँ पर कथित तौर पर हिंदू पक्ष कहते हैं कि शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कहते हैं फवारा है, वजूखाना वहाँ पर है, वो प्रोटेक्टेड एरिया तो सील रहेगा, वहाँ पर भी सर्वे के साइंटिफिक सर्वे के आदेश थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था, रोक लगा दी थी। लेकिन उस सील एरिया से बाहर जो मस्जिद परिसर है उस पर अब ASI का सर्वे जारी रहेगा, ASI अपनी रिपोर्ट बनाएगी, ASI अपनी रिपोर्ट निचली अदालत को सौंपेगी और वो सार्वजनिक होगी और पार्टी उस पर बहस करेंगी। तो काफ़ी बड़ा ये मामला है क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर इस केस की काफ़ी दशा और दिशा तय हो जाएगी। इस रिपोर्ट से ये हो जाएगा कि हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है उनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये तमाम चीज़ें होंगी। मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है उनकी बातों में कितनी बात सही है, ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट से साफ हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ASI ने इसी तरह अयोध्या केस में भी सर्वे किया था, तो निश्चित तौर पर ये मामला भी अब अयोध्या केस की तरफ जा रहा है और जो कानूनी लड़ाई है और जो है ये हम ये कहेंगे कि और कानूनी लड़ाई जो है आगे बढ़ गई है और एक नए चरण तक ये पहुंच गई है। सर्वे की रिपोर्ट के बाद निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिस पर पक्ष अपना अपना दावा करेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।